नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त हमारे बुंदेलखंड के उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी हैं। परमात्मा जी से पहले भी आप परिचित हो गए। परमात्मा जी टमाटर की खेती बड़े कायदे की करते रहे हैं, जो आपने देखी है। और उस टमाटर की खेती में जो थंबनेल आपने देखा था कि 1000 क्विंटल टमाटर उस खेत से, इस खेत से जो टमाटर लगे थे इससे लेंगे, और परमात्मा जी इस खेत से 1300 क्विंटल से ऊपर टमाटर ले चुके हैं। और हमारे साथ एक और किसान भाई थे जो ये चुरा गांव के थे, जिन्होंने हमें बताया है कि टमाटर 1300 क्विंटल निकलने के बाद एक DCM भर के कितना आपने बताया था, कितना टमाटर 1300 क्विंटल निकलने के बाद कितना था खेत पे? कम से कम एक JCM, मतलब मजदूर ना मिलने के कारण वो कटाई आ गई थी किसान की, तो मटर एक ट्रक भर जाता। हाँ, बराबर। फिर इसके बाद बेवस में काटना पड़ा क्योंकि वहाँ लेबर नहीं थी, तो इसलिए क्या करते, जितना आप अपन से हो सकता है किया, वरना बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। तो हमारे परमात्मा देव जी इतने कमाल के किसान है कि इन्होंने 1000 जो टारगेट रखा था उससे ज़्यादा 1300 क्विंटल निकाले, और निकालने के बाद भी खेती इतनी ज़्यादा हुई कि इन्हें बाद में टमाटर को काटना पड़ा और एक ट्रक भर के टमाटर बर्बाद हुए। तो ऐसे हमारे किसान हैं परमात्मा देव जी। परमात्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। जी, आपका भी शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बड़ा कीमती है और हर किसी को अपना टाइम आप देते नहीं हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती वक्त देने के लिए। अब हम चाहेंगे खेती जो यहाँ पर गोभी की खेती हमें दिख रही है, फूल गोभी दिख रहा है, इसके बारे में आप बताएं। वो दिखाने से पहले, बताने से पहले, एक कोई अच्छा सा गोभी आप तोड़ के बताइएगा, और कि जिसका साइज आप चाहे जो तोड़ लो, सब लगभग ऐसा मान लीजिए सब अच्छे हैं भाई। सब अच्छे हैं। बहुत मोटा तना हो गया है, आई थिंक तारना पड़ेगा उसे। तो ये देखिएगा कितने कमाल के गोभी हैं। और जनरली गोभी का सीजन कौन सा होता परमात्मा जी? पूरी साल होता है वैसे ये, लेकिन अगर आप कॉमन सीजन माने तो ये नवंबर से शुरू होता है। नवंबर से शुरू होता है, दिसंबर जनवरी, मतलब एक सामान्य सीजन है, इसे कोई भी कर सकता है। और बाकी तो पूरी साल में आप जब चाहें तब गोभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरी साल में जब हम चाहें तब गोभी करें, तब जैसा जुनून परमात्मा जी के पास है वैसे ही किसान कर सकते हैं, जुनूनी किसान कर सकते हैं। और आप देखेंगे कितना अच्छा ये गोभी है, पैक्ड है, और ये अक्टूबर का महीना है जब हम इस खेत में है परमात्मा जी के, और ये खूबसूरत गोभी हमारे हाथ में है। परमात्मा जी, अब शुरुआत से बात करते हैं इस गोभी के खेत की, कि हम किस महीने से इस की शुरुआत, जैसे आपने बताया कि कॉमन सीजन कौन सा होगा, और आपने ये किस सीजन में, किस महीने में शुरुआत की इस गोभी के? मैंने इसकी शुरुआत उससे की थी, ये पिछले 25 जून में इसकी रोपाई होती, नर्सरी की बुवाई हुई थी। अच्छा, 25 जून में रोपाई हो गई? नहीं, बुवाई हुई थी, नर्सरी डली 25 जून में, और आप ऐसा मान लीजिए कि 25 जून 25 जुलाई, अच्छा, जुलाई के लास्ट वीक में हाँ इसकी रोपाई शुरू हुई, ट्रांसप्लांट किया गया था इसका जुलाई के लास्ट वीक में। लास्ट वीक में, और जुलाई और अगस्त, जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त के पहले हफ्ते में ये रोपाई हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम इस गोभी की खेती के बारे में कुछ आपको बताएं, समझाएं, उससे पहले एक चेतावनी देते हैं। जो ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, परमात्मा जी से हमारी बात हो रही थी, तो परमात्मा जी ने ये बताया कि किस तरीके से खेती यूट्यूब पर देखकर सब किसान करते हैं, और करने के बाद सफल 1-2% ही होते हैं, बाकी किसान असफल हो जाते हैं या वैसा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। तो परमात्मा जी पहले ये बताइएगा कि किसान क्या क्या, कोई भी फसल करते हैं यूट्यूब पर देखते हैं, आपकी गोभी की फसल ही देखेंगे, तो क्या क्या चेतावनी उनके लिए है, क्या क्या प्रिकॉशन वो लें ताकि वो भी आपकी तरह मुनाफा कमा सकें? ये क्या है कि ये खेती में मेन जो होता है जी, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आप ये कह लीजिए कि पहले की तैयारी, जैसे इसका बेड एड सिस्टम, खेती के लिए जैसे पानी जो है जीवन शक्ति है, ऐसा कह सकते कि पानी से ये तैयार होती है, और इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी ही होता है। अच्छा, किसान वो जो पानी को समझ ले कि हमें मतलब पानी किस तरह से, जैसे पौधा मॉइस्चर मांगता है, मतलब नमी चाहिए उसको, उसको गीलापन नहीं चाहिए, उसको सूखापन नहीं चाहिए, उसको एक जैसी नमी, बिल्कुल जैसे लड्डू जैसी हल्की मिट्टी, मजबूत गुलबेली ना बने, ऐसी नमी आप उसको कैसे मेंटेन कर सकें खेत में, जैसे जहाँ भी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे जहाँ भी अगर इसमें 1% भी पानी रुका होगा तो 1% पानी में भी पौधे में डिफरेंस होगा। अच्छा, पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर
नुकसान होगा। ये पौधा आप देखेंगे तो अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 1 सेंटीमीटर पानी एक्स्ट्रा रखता होगा इससे, और 1 सेंटीमीटर के रुकने से आप उस पौधों में ग्रोथ देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 पौधे उस साइड उस वाली नाली में नहीं रुकता है, तो उस साइड के पौधे उस साइड के पौधे इतना डिफरेंस है, ये भी छोटे हैं और यहाँ नहीं रुकता है, तो ये पौधे। ये बताइएगा जो लोग आपको, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद। हाँ, मेरा मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस भी जैसे कितना अच्छा लेवल बना सकते हैं आप खेत का, और पानी का मतलब होता है कि पानी आए और उसी स्पीड में वो निकल जाए आराम से। अगर 10 फुट के एरिए में भी अगर आपका पानी रुकता है तब आप समझ लीजिए ढेर सारी बीमारियाँ, पौधा का छोटा बड़ा होना, क्रॉप का एक सा होना, ये समस्याएं इसी वजह से होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर लोग बाग देखते हैं, किसानों ने देख लिया, आपका भी वीडियो देखेंगे, तो उससे पहले किसान को सलाह कि वीडियो देख के सीधे जंप ना करे खेती पे, क्या करे वो किसान? जैसे आपका वीडियो गोभी वाला देखा, तो आप तो अच्छी फसल है, टमाटर की भी अच्छी थी। देखिए मैं बताऊं प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे बहुत सारे किसान मेरे यहाँ आते हैं, पैसा सब कुछ सही है, जैसे यूट्यूब पे देखा, जैसे वीडियो देखा है, जैसे जब इसकी मैं आमदनी वगैरह भी बताऊंगा तो ज्यादातर तो लोगों को बाउंस कर जाती है, भरोसा नहीं होगा, ज्यादातर 99% ऊपर से निकल जाती है, और जो लोग जैसे देखते ही हैं मंडी में जाते हैं, रियल में देखते हैं, तो उनको मालूम होता है, तो वो एकदम एक्साइटेड होते हैं और फिर भी एकदम तेजी से शुरू होते हैं, और पता चलता है कि मैंने जितना इसमें कमाया उतने ही उनने उसमें गमाया। उसका कारण ये होता है कि अब जैसे ये मैंने इसको 7 बीघे में लगाया, मतलब लगभग 7 बीघे मतलब 2-2.5 एकड़ के समथिंग, 2.5 से थोड़ा कम ही हो जाएगा ऐसे कुछ। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं इससे कम नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव है, चाहे भले ही पहली खेती है, बट अगर कोई इसको नया करे तो उसे सीखना चाहिए यार। एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जहाँ मैंने देखा कि आदमी बिल्कुल है, नहीं कहते ऐसे ऐसे मुंह उठाए चलती है, एक कहावत है बुंदेलखंडी, भाई साहब आपको ABCD का ज्ञान नहीं है, एक का पहाड़ा सीखने के बाद भी आदमी अगर उसको एक का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, एक का पहाड़ा सीखेगा, और गारंटी नहीं है 1 नंबर आएगा कि 100 नंबर आएगा। आप खेती जैसी चीज कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे टफ है, हवाई जहाज बनाने में आप किताब में पढ़ते जाएंगे भाई सब, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, मशीन से बने हुए पुर्जे हैं, सेट हो जाएंगे, ये प्रकृति से लगी हुई चीज़ है, इसमें 99% अनिश्चितताएँ होती हैं, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो सिस्टम से होती है, वो आप कर सकते हैं भाई सब, पढ़ सकते हैं, इसको महसूस करना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा। किसान में क्या, किसान सीखना नहीं चाहता, पढ़ा लिखा आदमी वो खेती करेगा, उसके पास सीखने का टाइम ही नहीं है, उसने देखा यूट्यूब में देखा, कहीं देखा, बोले यार वो परमात्मा तो पता चला उसने 20 लाख का गोभी बेचा, तो क्या लगता है आप भी 20 लाख का निकाल लोगे? यार परमात्मा तो 14-15 साल से खाक छान रहा है क्या? मतलब काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, समझने में टाइम लगता है, शुरुआत करिए तो थोड़े से करिए और फिर उसको समझने की कोशिश करिए, सीखते जाइए, वरना जी आपका पैसा खाएगी, पैसा खाएगी। तो पहले मतलब सैंपल करें, एक बार पैसा खा गई तो 99% लोग दोबारा उसको हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसे लोग जैसे जैसे मेरे जैसे पागल किस्म के लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई किसी क्रॉप ने मेरा पैसा खा लिया तो फिर उसी क्रॉप को कई गुना देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चाणक जैसे स्वभाव का हूँ। पपीते की कहानी बता दीजिएगा, पपीता जो आपने बताया था हमें, पपीते के साथ क्या हुआ था आपका, कैसे दुश्मनी बनी उसके बाद बहुत प्रोडक्शन लिया आपने? क्या था कि मैंने पहली बार लगाया, जैसे बताया ना कि जैसे अब देखा सुना समझा तो पता, मैंने सोचा, मुझे शुरुआत मैंने खेती की पपीते से की थी, ऐसे घूम फिर के मैंने एक बार किसी गांव में बीरा गया था मैं, तो वहाँ किसी फार्म पे बाड़े में पपीते लगा हुआ था, उसमें प्रोडक्शन था करीब 1.25 क्विंटल। अच्छा, बहुत मस्त पौधा था, उसी के नीचे बैठा, उसी को देखता रहा, तोड़ा मैंने, बढ़िया खाया, और मैं सोचता रहा यार एक पौधा मेरी साला 1 क्विंटल लगा है, क्या बात है, तो इसकी खेती करेंगे तो क्या होगा, फिर पैसा आएगा। और फिर शुरुआत की, तो पहले वैसे बीज लाया तो पहले बुवाई की, पौध तैयार हो गई, और बिना जानकारी के सीधे रुपाई की, पूरा साफ। अच्छा, एक भी पौधा नहीं बचा यार, कहीं फाइल्ट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कुछ जानकारी की, फिर दूसरी साल फिर पौधा बीज लाया, फिर बुवाई की, फिर 6 पौधा बचा। अच्छा, कुल 6, पहली साल पूरा चौपट, हाँ, दूसरी साल 6 कितने में से? ऐसा मान लीजिए आप 5 का 30, मैंने 3000 से कम लगाई नहीं। ओ,
केवल छह पौधे बचे। हाँ, छह पौधे। अच्छा, छह पौधे बचे तो फिर 50-60 हज़ार रुपए किया, छह पौधे पे काम किया। मैंने सोचा चलो भाई देखो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आती है, देखता गया सीखता गया। फिर उसके बाद फिर तीसरी साल लगाया देखिए। फिर मैं तीसरी साल में ये समझ गया था कि इसको कैसे नहीं लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए, मैं ये समझ गया। फिर तीसरी साल मैंने लगाया उसको उल्टा सीधा दिमाग लगा के, क्योंकि वो जहाँ मैंने लगाया था वो ऊंचाई पे था। तब मैंने दिमाग लगाया इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मरता क्यों है। पूरे खेत में फिर मैंने बेड बनाया, यहाँ कहीं कोई खेती बेड बेड पे होती नहीं थी आज 14-15 साल पहले, कोई जानता भी नहीं था। फिर मैंने बेड बनाया, उस पर पपीते लगाए तो वो खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, चलो ठीक है, अब उसको फरना है, ढेर सारे काम करने हैं। फिर वो चलता रहा, जैसे मेरे पास पानी का साधन नहीं था तो मैं वहाँ से पानी लेके आ गया था। अच्छा, वो ट्यूबवेल दिख रहा है आपको? अच्छा, वो कोठी दिख रही है दूर, कम से 500-600 मीटर है, वहाँ से पानी लाते थे। बहुत सारी मेहनत हुई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ पपीता। फिर उसमें बीमारी शुरू हुई तो फिर उस पर काम करना शुरू किया। फिर ये लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, पूसा अनुसंधान, और ये कह दीजिए आप लगभग ये कह लीजिए जितने अनुसंधान केंद्र हैं, जहाँ जहाँ मैं जा सका गया और उस पर काम करता रहा। ज़्यादातर सपोर्ट सरकारी लॉबी का नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे जिनका सीड था ताइवान वालों का, उन लोगों ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। लेकिन क्या होता है कि अब वो यहाँ से कानपुर बैठे, लखनऊ बैठे, दिल्ली बैठे, अलग जलवायु है, अलग माहौल है, अलग एरिया है, यहाँ अलग है। मैं क्या बता रहा हूँ उनको, क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद वो दवा बता रहे हैं, फिर ये क्या काम कर रही है, इसमें बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने सोचा यार इसमें दुनिया को मारो गोली, अपना दिमाग लगाओ। अच्छा, क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या कैसे काम करता है, बस शुरू किया, फिर हो गया। तीन साल बाद या 3 साल की मेहनत आपकी रही, कितना प्रोडक्शन निकाला पपीते का अंदाजन? उस साल पपीते में निकला था कम से कम 200 गाड़ी माल, ऊपर गया था। एक गाड़ी में कितने क्विंटल जाता होगा? 26 क्विंटल जाता था। 26 क्विंटल, 200 गाड़ी निकली, 200 गाड़ी 5200 क्विंटल निकाल चुके हैं। हाँ, 5200 क्विंटल पहली साल निकला था। फिर वो दूसरी साल करीब निकला 170-160 गाड़ी थी दूसरी साल लगातार। तो बताइए कितने बीघे में लगाया था आपने ये? कहाँ, लगभग यहीं तो था ऐसे, मतलब 7 बीघे से कम होगा? नहीं, वो 4 बीघे करीब लगा। ये बताइए, देखिए किस तरीके से पहली साल सारे पपीते चौपट हो गए, दूसरी साल केवल 6 बजे, फिर तीसरी साल उन्होंने छप्पर फाड़ दिया और 5200 क्विंटल पपीता इन्होंने निकाला है, जो आपको बाउंस जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से टमाटर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा उसके बाद ये कहा कि 1000 क्विंटल हो ही नहीं सकता है, हमारे में परमात्मा देव जी ने इस खेत से 1300 क्विंटल से ज़्यादा निकाला और बहुत सारा जो टमाटर था वो सड़ गया। तो परमात्मा जी, जैसे अब हम बात करें गोभी की, वीडियो भी थोड़ा बहुत लंबा खिंच रहा है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं, हमें ये वीडियो देख रहे हैं परमात्मा जी के चैनल पर, आपको टमाटर की दवाई के बारे में पता चलेगा, जो आपने बहुत सारे कमेंट किए हमारे पिछले वीडियो में। तो टमाटर में क्या दवाई डालनी चाहिए और कब इसे लगाना चाहिए, सूटेबल मौसम क्या होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब परमात्मा जी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये गोभी के बारे में विस्तार से आपको जानना है तो इनके चैनल पर आप जाएंगे, और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी तो इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा, नया चैनल है। और इस चैनल को भी इनके परमात्मा देव जी के ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फ्यूचर में ये जो भी खेती करते हैं या गोभी की खेती के बारे में ही आपको विस्तार से बता सकें। तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।